साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाचो फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज मैं बंसीपुरा गांव में पहुंचा हूं अशोक भाई के यहां पे। और पिछले 5-6 वर्षों से भैया जी ट्रेंच विधि में लगातार कुछ ना कुछ कर रहे, डबल लाइन से भी बोया, इसके साथ में सह फसली में भी प्रयास करा, कई तरह की फसल बोई, दलहन भी तिलहन भी। तो अब की बार में भैया जी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, इसमें दलहन में उन्होंने उड़द बो दिए थे, और उससे अलग भी एक चर्चा करेंगे, खास गन्ना वैरायटी 15023 को लेकर, जो अपना दोराला शुगर मिल क्षेत्र पड़ता है यहाँ का, और उसमें जो है 15023 पिछले इस वर्ष मिल वालों ने खूब लगवाया भी, और किसानों की समझ में नहीं आया, मतलब ज़बरदस्ती वाली बात रही जो मिल वालों ने काम करा। लेकिन यहाँ पर आकर आज अशोक भाई के पास में 15023 इनके यहाँ ठीक ठाक खड़ा डबल लाइन का ट्रेंच विधि का गन्ना, लेकिन अशोक भाई ने बताई कि इसमें भी उड़द की वजह से खेत में कई तरह की लापरवाही भी हुई, और उस लापरवाही को देखते हुए खेत में गन्ना इस तरीके का हुआ। तो आज उस विषय पर भी चर्चा होगी, बाकी वैरायटी पे भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं अशोक भाई से मिलवा दूँ। हाँ जी, तो हाँ जी, क्या हाल है भैया जी? बढ़िया भैया। राहुल भाई आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी। थोड़ा सा तो किसान भाइयों को आप अपना परिचय करवा दो जी। मेरा नाम अशोक कुमार जी, बंसीपुरा। अच्छा, दोराला मेरठ। तो अशोक भाई 4-5 वर्ष हो गए जी काम करते, कुछ ना कुछ अब तक का जो अनुभव रहा तोड़, मतलब जी, जो वीडियो के माध्यम से किसान समझ सके जी, जी क्या गन्ने के साथ में सह फसली में ले सकते हैं? नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, मतलब अब तक का अपना अनुभव है कि जी, नहीं लेनी चाहिए। खूब उलट पुलट हो ली हम इस सह फसली के साथ। अच्छा, चेंज कर करके भी अब इस तरह से बोनी, अब मूंग बोनी, अब उड़द बोने, अब ये बोना, अब सरसों बोनी, उसमें भी देखा वहाँ चल जाए एक बार को आपकी सह फसली जो असोजी में है। हाँ जी, पर फागण की में हमें सह फसली लेनी। अच्छा, फागण के गन्ने में नहीं सह फसली, असोजी गन्ने में आप ले बेनिफिट है वहाँ। वहाँ तो बेनिफिट मिल जाएगा, बेनिफिट है कि वहाँ गन्ने की बढ़वार हमारी नहीं चलती, रुक जा सर्दी, तो दूसरी फसल आराम से ली जा सके, और उस समय पे गर्मी भी नहीं रहती, तो सिंचाई में भी काम, सिंचाई में भी कोई दिक्कत। जी जी जी। तो कुल मिलाकर आपने जो ये हमारा जो फागण में मार्च फरवरी मार्च का जो गन्ना बोया है जी, उसमें चाहे अगेता बोलो चाहे पछेता, चाहे पछेता बोलो, कोई सी भी फसल नहीं कर सकते ना ना। तो आपने कौन कौन सी लगा के देखी? मैंने सिंगल लाइन भी बोई, उसमें सिंगल लाइन में उड़द बोए। अच्छा जी। एक बार मूंग भी बोई। हाँ जी, जी। आपके डबल लाइन बो के मैंने ईख बोने से पहले ही उड़द बखेर के खेत में, मैंने कुछ दिन और अगेते हो जाएंगे जी जी जी, जब और पानी भी 4-4 खुडों में दिया मैंने, गुल्लों पे ऊपर ना जावे। हाँ जी, जी। तो मेरे खेत में उड़द हो भी गए। हाँ। होने के बाद में क्या हुआ, जब उड़द पकने का नंबर आया तो पकने के टाइम पे मेरे खेत को 1.25 महीना ऐसा चला गया जिसमें पानी ही नहीं दिया गया। पानी नहीं दिया कर भाई, या तो उड़द बचाऊं या ईख बचाऊं, या ईख बचाऊं। अब वहां के फंस गए, जब उड़दों पे फली आ गई तो लालच उड़दों का हो गया। हाँ। तो मेरा खेत इतना पिट गया कि लोग देख के मजाक लेने लगे इस खेत की। अच्छा, इसकी 15023 की जी जी, मजाक खत्म हो गया था, धरती पे गिरने लगा था। अच्छा अच्छा जी, बुरी हालत हो गई थी, तो मैं नहीं मानता। अच्छा अच्छा, तो अगर इससे मतलब इसी खेत की कंडीशन मतलब इतनी खराब हो गई, इतनी खराब थी जी, धरती पे गिर गया था, 1-1.25 महीने पानी नहीं आया। हाँ, और कब का गर्मी भी ज्यादा थी जी, गर्मी भी ज्यादा जी जी। अच्छा, तो वैरायटी लगभग कितने समय से आप लगा रहे? मुझे अब इसको जो है जी तीसरा साल है, मैं पहले साल ही ले आया था मिल से। हाँ जी, एक जी। बार मैंने बोर्ड एक फूस के बाद पेड्डी, अब फिर तिबारे से बोर्ड है। अच्छा, तिबारे से बोर्ड लगाइए। अच्छा, इस वैरायटी के बारे में कुछ खास बता सको कि बीमारी से लेके मतलब किस तरह का? बीमारी थोड़ी सी इसमें है, अब जैसे मौसम चला है फंगस, अभी थोड़ी सी फंगस आओगी, और इसमें कोई बीमारी नहीं। अच्छा, टॉप बोर्डर की बात करें? नहीं है, नहीं है, मेरे खेत में नहीं आया, 3 साल से मैं लगा रहा। अच्छा, फंगस आएगी जरूर अगर आप इसका इलाज थोड़ा सा ना करोगे बारिश के टाइम। जी जी जी। अच्छा, कई किसानों के यहाँ आपने भी देखा होगा 15023 नहीं चल रहा। नहीं चल रहा जी, है ना, बहुत सारे हैं। देखा बहुत सारे, मतलब आज आपके पास में आने का तो यही था कि फागण के गन्ने में एक तो ये पता चल जाए कि भाई नहीं बहु जी जी फसली में जी बिल्कुल ना। दूसरी चीज, ये वैरायटी हमारे मिल क्षेत्र में बहुत कम किसानों के पास में खड़ी, मतलब आपके यहाँ ठीक ठाक है। कब की बुआई है ये? है मेरी 25 मार्च। 25 मार्च वाले दिन की। जी जी जी। तो डबल लाइन में देखा आपने, सिंगल लाइन भी लगा के देखा? सिंगल भी लगाई जी। हाँ हाँ जी, पहले डबल से सिंगल पाए थे मैंने, बस सिंगल में कुछ बढ़िया हो जा। हाँ। सिंगल में और लॉस रहा इस डबल के मुकाबले। अच्छा, फिर दोबारे से डबल पे आए। अच्छा। डबल में और चेंज करा, पहले क्या था कि हम मिट्टी उट्टी देने में पेंडे पे मिट्टी दे देते थे। हाँ। उसके बाद जब जुताई आवे थी तो रूटर वगैरह से जुतवा दिया, पेंडे पे ज्यादा मिट्टी आ गई तो ब्यांत नहीं हो गया था। जी जी जी। अब के हमने इसमें जो
जिस टाइम कोर देने वो पानी देने के बाद इसका पहला पानी पेंडे पे जो दिया उसके बाद हमने पूरे खेत की 8 दिन पीछे खुरपी से नलाई करवाई। अच्छा, खुरपी से नलाई करी। बिल्कुल, एक नलाई में चलेगा काम? एक नलाई में हमारे हमें एक महीने का टाइम मिल गया। 100 महीने जितने हमारी कोर आई इतने हमारा खेत ब्यांत करने लगा था खूब बढ़िया। अच्छा अच्छा, उसमें नमी रुकी रहेगी, मिट्टी पलट गई थोड़ी सी तो नमी रुकी रहेगी उसमें। बाकी अगर जैसा खाद वगैरह की बात करें तो कितनी खाद? पहले मैंने जो बुआई पे सीरा सांगी, अच्छा अच्छा, और एक इसमें आपकी इफको की फंगस की थी वो मिला के स्प्रे कर दी थी। वो करता, ठीक है जी। थोड़ी सी उसमें डाई लगाई थी, तीन चीज के अलावा और कुछ नहीं गिरा था मैंने। अच्छा अच्छा, डाई और आपकी सिरा। अब इसमें आपके गन्ने में कितने स्प्रे हो गए जी लगभग? अब इसमें मैंने एक स्प्रे करी है, कीटनाशक की नहीं करी कोई भी। अच्छा, कीटनाशक की मैंने कोई स्प्रे नहीं करी इसमें। तो एक स्प्रे मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट बस एक स्प्रे करी है। तो फिर तो टॉप बोरर से बच रहा है अभी? लोग कुछ नहीं जी, मैंने इस खेत में अपने कुछ नहीं करा। अच्छा, मैंने 38 खत्म कर दिया था पिछले साल 38 खत्म कर दिया था। मेरी एक लाख रुपए की दवाई लगी थी 45-46 बीघे में। अच्छा जी, हाँ पूरी। अब के मेरी दवाई लगी, मैं पूरा गणित धर रखा जोड़ के, 32-33 हजार रुपए की मैं खाद की, आधे से कम मांगी। हाँ जी जी जी, तो लिकट जाओ थोड़ा बहुत कम, गिद्दड़ सुअर खावे ऐसे वे भी खा लो। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार 80 हजार का नहीं खावे, 80 हजार का नहीं खाने गिद्दड़ सुअर। अच्छा, लगे ना गिद्दड़ सुअर तो लगे? लगे जी, छकवा। आपका खेत कुछ मुझे लगे ये गोरे में था। ये फिर पिछली बार भी मैंने दिखाया था, खेत हमारा पहले बोने में भी गड़ गया था सिंगल लाइन। तो सेह का भी है, बहुत सारे आदमी देसी नुक्ते आजमाए, वो काम भी आए हमारे। अच्छा सुख भाई, इसमें अगर एरिया किसानों का बढ़ जाए तो क्या पता ये नुकसान बढ़ जाएगा? घट सके जी, जब देखो आदमी थोड़े हों और क्या नाम खाने को ज्यादा मिल जाए तो हो जाएगा फिर। और जब आदमी ज्यादा हो खाने को थोड़ा मिले तो ये तो जहाँ जाऊंगे उसका ताम झाम उखाड़ ही लेंगे, उखाड़ ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज रही वही शेयर की। तो कुल मिलाकर 15-0-23 से आप सहमत हो? बिल्कुल जी, मैंने चारों बीज बोए। अच्छा, ट्रेंच में कौन सी विधि आपने पास करी? ट्रेंच में डबल लाइन। अच्छा, डबल लाइन में आपके यहाँ देखा मैंने, कितना गैप दे रखा आपने? 14 इंची है जी। अच्छा, 14 इंची में फिर वही काम नहीं बढ़ता क्या, खरपतवार का जिस तरीके से हो रहा? हाँ, ये और मिट्टी की भी बड़ी समस्या। जी जी, बढ़ेगा एक थोड़ा सा काम। हाँ जी, पर इसमें ऐसा हो जाए मिट्टी की समस्या, हम इस वजह से भाई हमारी बंधाई बंधाई ना हो। हाँ जी हाँ जी, अब 23 जो है हमारा इसे तो बंधाई चाहिए ही चाहिए जी, चाहे तुम कैसा ही बोलो। हाँ कैसे बोलो, ये जड़ के मुकाबले ऊपर भारी हो जाए, ऊपर भारी हो जाए। तो इसमें मिट्टी आने के बाद भी हमने चौड़ाई नो करी 14 इंच की, हम इसकी बंधाई करवा सके, बंधाई करवा सके जी। सही, रुक जा जी, साइड में तुम्हारी मिट्टी लगी। हाँ बिल्कुल, ये साइड लगी है लगी, बीच अगर नहीं भी भरता हमारा बंधाई हो जाएगी। उसे 14 इंची पे सपोर्ट मिलगी, ज्यादा नजदीक करें इसको तो हाँ फिर सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसमें दूसरी वैरायटी आपने कौन सी लगा रखी? मैंने 15-0-23 और इसके बाद 13-235। अच्छा, 14-201 भी है, 10-118 है। 13-235 का क्या? 13-235 बढ़िया है, बढ़िया। 15-0 वो 14-201 बेकार है। 14-201 मेरी समझ में नहीं आई जी, कुछ लोग उसे बढ़िया बता रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा अच्छा, कुछ मैडे भाइयों देखो 16-202 के भी लेकर आए भैया जी, तो ये लखनऊ ही गए थे जी? लखनऊ से जी, मेरा जो हमारी अच्छा जो एक साली का लड़का है वो पुलिस में आई, पुलिस में। अच्छा अच्छा, उसकी ड्यूटी लखनऊ ही चल रही है। ठीक ठीक ठीक, तो जब वहाँ मेला लग रहा था मैंने उससे मंगवा ली थी। अच्छा, उनसे मंगवा ली थी। देखो भैया 16-202 के अपना बीज हो जाएगा तैयार इतने जी, अब कैसा लगभग ये हो जाएंगे 50-60 किलो जी, जी, तो हो ही जाए। तो 13-235 कौन से खेत में? 13-235 तो अगली तरफ लग रहा है जी, 18 के साथ। अच्छा, 18 के साथ में लग रहा। तो भाई वो दूसरे खेत में है, बाकी की आज जो अशोक भाई ने जानकारी दी वो आपको जरूर पसंद आएगी। किसानों का अपना अनुभव है 5 साल का, और इन्हीं अनुभव से सीख के ताकि दूसरा किसान नुकसान ना उठावे ये वीडियो बनाई जाती है। तो जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार।